नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। कोरोना पर मुख्यमंत्री योगी का नया एक्शन प्लान। दिल्ली से जुड़े 6 जिलों में युद्ध स्तर पर अभियान। मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए 1,00,000 मेडिकल टीमें लगी। टीम 11 की बैठक में तेजी से कोरोना जांच के निर्देश। 5 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी का संभावित मेरठ दौरा। हस्तिनापुर से करेंगे 25 करोड़ पौधारोपण अभियान का शुभारंभ। मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर डीएम ने हस्तिनापुर का किया निरीक्षण। सांसदों विधायकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर सकते हैं मुख्यमंत्री। विकास कार्यों की भी हो सकती है समीक्षा। मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर अफसरों ने झोंकी ताकत। चीनी उत्पाद को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीडब्ल्यूडी अफसरों को दिए निर्देश। पीडब्ल्यूडी के निर्माण कार्यों में चीनी उत्पाद का इस्तेमाल नहीं। संप्रभुता और अखंडता के प्रति केंद्र सरकार बेहद गंभीर। लखनऊ में कोरोना रोकथाम को लेकर अभियान। 5 जुलाई से घरों तक पहुंचेगी स्वास्थ्य टीम। घर घर जाकर होगी लोगों की स्क्रीनिंग। लखनऊ के लिए 2,000 टीमों का किया गया गठन। सावन महीने में राम मंदिर का भूमि पूजन हो सकता है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। सावन महीने में ही भूमि पूजन कराए जाने की जताई इच्छा। आगरा में कई साल पुराने मंदिर को तोड़ने पहुंचा प्रशासन। एसडीएम और पुलिस के साथ ग्रामीणों की हुई झड़प। मंदिर में हुई तोड़फोड़ से गुस्साए ग्रामीण। ग्रामीणों ने अछमेरा मार्ग पर लगाया जाम। शामली के कांधला पुलिस कस्टडी से एक आरोपी फरार हो गया। मारपीट के मामले में पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लेकर पहुंची थी और इसी बीच आरोपी पुलिस को चकमा देकर जीप से कूदकर मौके से हुआ फरार। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने दिल्ली रोड स्थित सरस्वती अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। जिले में कोरोना मरीजों का हाल जाना। स्वास्थ्य विभाग से कोविड-19 के मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर जानकारी ली। मेरठ में 102 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को दी मात। कोरोना से ठीक होकर बुजुर्ग महिला हुई डिस्चार्ज। विधायक ने बुजुर्ग महिला का किया सम्मान। देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के अब अनलॉक 2 लागू पर प्रवासी मजदूरों और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार दावा कर लोगों का आत्मनिर्भर बनाने का कर रही है काम। इसके तहत यूपी के गोंडा जिले में उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के द्वारा प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंदों को लघु और सूक्ष्म उद्योग लगाने के लिए ट्रेनिंग और बैंक से लोन दिलाकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मेरठ पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर के काफिले में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। बिना मास्क के भी लोग आए नजर। पिता पुत्री हत्याकांड में परिजनों से मिलने पहुंचे थे चंद्रशेखर। बाबरी विध्वंस मामले में हुआ भारती का बयान। कोर्ट में अभी मामला है। कुछ टिप्पणी करना ठीक नहीं है। गाय गंगा गौ और राम ये सभी मेरे लिए पूजनीय। राम मंदिर पर फैसला देशवासियों के लिए गौरव का पर्व। संत कबीरनगर जिले में अलग अलग प्राथमिक विद्यालय पर 7 फर्जी शिक्षकों की पुष्टि हुई है जिन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी हासिल की थी। दिशा निर्देशानुसार इनकी जांच पड़ताल की गई और उन पर फर्जीवाड़ा पाया गया। कानपुर में कोरोना के कहर को दृष्टिगत रखते हुए सभागार में जिला प्रशासन की धर्मगुरुओं के साथ हुई 8 जून के बाद ये तीसरी बैठक है जिसमें अहम निर्णय लेते हुए धर्मगुरुओं की सहमति के साथ 31 जुलाई तक सभी धर्मस्थलों को बंद रखने का फैसला हुआ। हरदोई में नाबालिग किशोर को वाहन चेकिंग के दौरान रोका गया। किशोर ने कार की रफ्तार बढ़ाई। किशोर ने सिपाही के पैर पर कार। मेरठ में कोरोना के बढ़ते कहर के चलते कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 1400 टीमें घर घर पहुंचकर कोरोना संक्रमित मरीजों की तलाश कर रही हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे यूपी में मेरठ कमिश्नरी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कोविड-19 सर्विलांस अभियान की शुरुआत हुई।
कुशीनगर में कोरोना से पीड़ितों की संख्या में लगातार इजाफा, इससे लोग परेशान हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अधिवक्ता कोर्ट चलाने का विरोध कर रहे हैं। दीवानी बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने डीएम कोर्ट के सामने मौन विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं का कहना है कि इस वैश्विक संकट काल में जहां एक ओर लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर डीएम के द्वारा जबरदस्ती कोर्ट खोला जा रहा है, जिससे कि आम लोगों में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। मेरठ में बुजुर्ग महिला बेरहमी से बुजुर्ग महिला की मेरठ में हत्या की गई। सिर कुचलकर महिला की हत्या की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संभल के धनारी थाना इलाके में प्रेमी युगल का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। प्रेमी युगल के शव पेड़ पर लटके हुए मिलने के बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति है। बताया जा रहा है कि दोनों पिछले 5 दिनों से घर से गायब थे और युवक की 28 जून को शादी भी होनी थी। सोनभद्र में अनुसूचित और आदिवासी समुदाय को आर्थिक गतिविधियों की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए डीएम ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। सोनभद्र के जिलाधिकारी ने जिले के आदिवासियों और अनुसूचित जाति के आर्थिक उत्थान के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऑनलाइन बाजार की व्यवस्था की। डीएम सोनभद्र ने सोन बाजार के नाम से एक ऐप को लॉन्च किया है। इसके माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी आदिवासी और अनुसूचित महिलाएं अपने उत्पाद को ऑनलाइन बाजार में बेच सकती हैं। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस फायरिंग में एक बदमाश जख्मी हुआ है। मुठभेड़ में एसआई को लगी गोली। मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा मामले सामने आए। कोरोना से अब तक 17,700 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,537 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,80,000 के पार। महाराष्ट्र में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 79,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,442 मामले रिकॉर्ड हुए हैं। इस तरह यहां कोरोना के कुल मामले बढ़कर 89,802 हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 61 मरीजों की मौत हो गई है। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 94,000 के पार पहुंचा। 52,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 3,882 नए मामले सामने आए। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 675 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 33,300 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 18,312 पहुंच चुका है। 14,800 से ज्यादा मरीज अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। बीते 24 घंटे में कोरोना के 298 मामले सामने आए। राजस्थान में बीते 24 घंटे में 258 लोगों में कोरोना की हुई पुष्टि। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 268 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 13,861 हो चुकी है। राज्य में 10,655 मरीज स्वस्थ हुए। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 87 नए मामले। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 10,000 के पार पहुंच। 7,800 से ज्यादा मरीजों को अस्पतालों से मिल चुकी है छुट्टी। आंध्र प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 15,252 हो चुका है। पिछले 657 नए मामले सामने आए। 6,988 मरीज हो चुके हैं डिस्चार्ज। कोरोना वायरस का कहर पश्चिम बंगाल में भी जारी है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 19,170 पहुंच चुकी है। पिछले कोरोना के 611 नए मामले सामने आए। कोरोना मरीज का कहर 16,514 हो चुकी है। 8,063 मरीज अब तक स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। बीते 24 घंटे में 1,002 कोरोना की पुष्टि हुई। पंजाब में संख्या बढ़कर 5,668 हो चुकी है। कोरोना से 3,989 मरीज अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। मरने वालों का आंकड़ा 149 पहुंच।
तेलंगाना में अब तक कोरोना वायरस से 17,300 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,018 नए मामले सामने आए। 8,000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल से मिली छुट्टी। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,900 के वहीं पिछले 24 घंटे में 393 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 240। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 817 नए मामले आए सामने। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 25,642 पहुंची। बुधवार को अब तक के 10,489 लोगों के नमूने जांच किए गए और इनमें से 585 की रिपोर्ट। अब तक प्रदेश भर में 7,58,915 लोगों की कोरोना की जा चुकी है जबकि 16,629 हो चुके हैं। रेट बढ़कर 70% हो चुका है। राज्य में 6,000 एक्टिव मामले हैं। अब कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 23,655 तक पहुंचा। आगरा में फिर बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या। बुधवार मामले सामने आए। पॉजिटिव केस की तादाद हुई 1,241। फिलहाल आगरा में एक्टिव केस की संख्या अब तक 23,509 लोगों के सैंपल जांच के लिए गए थे। आगरा में ठीक की संख्या 83.07% है। इसके अलावा टोटल कंटेनमेंट जोन 52 है। चंदौली जिला अस्पताल में कार्यरत 3 कर्मचारियों को कोरोना हुआ। पैथोलॉजी कर्मियों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। 165 लोग कोरोना पॉजिटिव जिले में हो चुके हैं। एटॉक के पास पहुंचा। 10 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक और कोरोना संक्रमित मरीज की मौत। मरीजों की संख्या पहुंची 296। अब तक 217 लोग हुए स्वस्थ की संख्या 70। बरेली में मिले 43 नए कोरोना पॉजिटिव। जिले में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 196 कोरोना पॉजिटिव। कासगंज में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या का आंकड़ों का बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में जनपद में मिले 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज। जनपद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 79 हो चुकी है। शहर के ज्यादातर मोहल्ला एरिया घोषित। अलीगढ़ जेएन मेडिकल कॉलेज व प्राइवेट लैब से आई कोरोना जांच रिपोर्ट। आज 25 केस निकले पॉजिटिव। डीएम ने लोगों से की अपील। मास्क के प्रयोग के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का रखे ख्याल। संघर्ष में दबंगों ने मामूली बात पर एक युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। लाठी डंडों से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए पीड़ित को थाने बुलाकर आरोपियों के विरुद्ध तहरीर लेकर उनकी तलाश कर दी है। युवक को दबंगों ने सिर्फ इस बात पर लाठी डंडों से जमकर पीटा कि वो दबंगों के विरोधियों के घर हुई शामिल हुआ था। लखनऊ के थाना मोहनलालगंज पर कार्यवाहक पुलिस आयुक्त सर्विस अधिकारियों के थानावार समीक्षा की है और इसमें लंबित मुकदमे एवं घटनाएं ट्रैफिक से संबंधित और आने वाले त्योहारों को लेकर चर्चा हुई। बुलंदशहर में लावारिश शव को पुलिस ने नाबालिग बच्चों से मामला संज्ञान में आते ही एसएसपी ने कार्यवाही करते हुए एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। मामले की जांच सीओसीडी को सौंप दी गई। नोएडा में पति के शरण पति ने पति की हत्या कर दी। बेलन से गला दबाकर हत्या की। पुलिस पूछताछ में पत्नी ने अपना जुर्म कबूला। लखनऊ में याहियागंज में एक सरफिरे ने लोहे की रॉड से पत्नी और साली पर किया हमला। मौत। पत्नी की हालत गंभीर। हत्यारोपी इरफान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोंडा जिले में 2 और फर्जीला आए सामने। दोनों शिक्षकों के नाम अमृतसर जिले में शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। वेतन वितरण सिस्टम से ये मामले दुरुपयोग से सामने आया। यूपी में सरकारी वाहनों के ईंधन के लिए नई व्यवस्था। पेट्रो कार्ड के जरिए होगी पेट्रोल डीजल की आपूर्ति। पर्ची सिस्टम पर पेट्रो कार्ड की व्यवस्था।
बिहार में इस बार बोल बम के जयकारे के साथ कांवड़ की धूम देखने को नहीं मिलेगी। कोरोना को देखते हुए इस बार उत्तराखंड सरकार के द्वारा पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय कर कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का हुआ फैसला। अन्य प्रदेशों से कांवड़ियों को हरिद्वार में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यदि कोई कांवड़िया ट्रेन या अन्य किसी माध्यम से आएगा तो उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। इतना ही नहीं, क्वारंटीन के दौरान होने वाले खर्च का भी वहन वही करेगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जहां उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी संक्रमण को लेकर लगाए गए लॉकडाउन का फैसला ही गलत लिया, जिस वजह से देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैला। उन्होंने केंद्र और राज्य की सरकारों को कंफ्यूज सरकार बताते हुए गलत नीतियों के कारण आज देश बस से बदतर हो चुकी है। पीएम रिलीफ फंड पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम रिलीफ फंड ना तो ऑडिट हो सका ही, उसके खिलाफ कोर्ट में जा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा चीन के सामानों का पाबंदी लगाकर देश में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना चाह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चीन से पैसा लेकर दोस्ती भी निभाई जा रही है। भगवान केदारनाथ का होगा रुद्राभिषेक, गाय के दूध से होगा रुद्राभिषेक, तीर्थ पुरोहित समाज में केदारनाथ में दो गाय। पौड़ी में मुख्यमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत, लौटे प्रवासी को आत्मनिर्भर बनाने चरण में 47 आवेदन जनपद पौड़ी से किए गए, बैंक लोन और सब्सिडी के बारे में जानकारी दी गई। काशीपुर के बाल को तार तार कर देने वाला मामला कर बच्ची से किया दुष्कर्म, ताऊ ताई और मामा पर दुष्कर्म का आरोप। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशी देवम मसूरी विधायक गणेश जोशी ने राशन को हरी झंडी दिखाकर मसूरी विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए राशन भेज दिए हैं। ये राशन हंस फाउंडेशन के संस्थापक माता श्री मंगला के द्वारा जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क भेजा गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना मरीजों की संख्या 1,06,00,000 के पार है। कोरोना से 5,16,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया में कोरोना से 58,55,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। दुनिया में करीब 3 कोरोना के मामले से आए हैं और इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 60,00,000 से अधिक है। अमेरिका में कोरोना मरीजों की तादाद में जबरदस्त उछाल है। पिछले 24 घंटे में पहली बार 50,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। पहले 26 जून को 47,000 सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। अमेरिका में मौत की संख्या में पहले से कमी आई है। बुधवार को अमेरिका में 50,299 नए मामले सामने आए, 667 लोग। देश में मरीजों की संख्या बढ़कर 27,78,000 के पार हो गई। कुल 1,30,789 लोगों की अब तक मृत्यु है। ब्राजील में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 26,000 के पार पहुंची। 22,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। कोरोना से अब तक 60,194 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील के बाद रूस में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। 6,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6,54,000 के पार पहुंचा। पेरू में कोरोना का कोहराम जारी है। मरने यहां 9,600 के पार पहुंच चुका है, वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या 85,000 के पार। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से मरने 48,900 के पार। बीते 24 घंटे में 809 नए मामले सामने आए। 3,13,000 के पार संक्रमितों का आंकड़ा। ईरान में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना के 2,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। यहां कुल मरीजों की संख्या 2,30,000 के पार पहुंची। 10,900 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है। कोरोना की वजह से मेक्सिको में 5,400 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। यहां मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 27,700 से ज्यादा। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,51,000 के पार हो चुकी है, वहीं एक दिन में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसमें मरने वालों की संख्या 2,600 से ज्यादा। चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस का कहर शुरू हो चुका है। चीन में बीते 24 दौरान कोरोना वायरस के 3 नए मामले सामने आए। पाकिस्तान में बीते 24 घंटे में कोरोना से मौत हो गई है। पाकिस्तान में अब तक कोरोना से 4,300 की जान जा चुकी है।
वहीं पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4113 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 2,13,000 के पार पहुंच चुकी है। चीन की ओर से हांगकांग प्रशासनिक क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सामने अपनी चिंता जाहिर की है। चीन के कदम से इस वैश्विक वित्तीय केंद्र के स्वतंत्रता और स्वायत्तता को चोट पहुंचेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि भारत और अन्य देशों के खिलाफ बीजिंग का आक्रामक रवैया चीन की कम्युनिस्ट अपनी चेहरा है। पूर्वी लद्दाख में हुई हिंसक झड़प की अमेरिका स्थिति पर करीबी से नजर रख रहा है और इसके शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने मास्क नहीं पहनने के सवाल पर जवाब दिया है। एक इंटरव्यू में बोले उन्होंने मास्क पहनने में तो नहीं है, लेकिन अगर वैसे हालात हो तब, अगर किसी ऐसी जगह पर हैं जहां वो बेशक मास्क पहनते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि आमतौर पर वो ऐसी परिस्थितियों में नहीं पहनना जरूरी है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर जरूरत होगी तो वो मास्क जरूर पहनेंगे। मास्क पहनना अच्छी बात है। ब्रिटेन में संसदीय सुनवाई के दौरान सरकारी कमेटी को बताया गया कोर्ट यूनिवर्सिटी में संभावित वैक्सीन के ट्रायल से सकारात्मक नतीजे मिले हैं। ये क्लिनिकल स्टेज के तीसरे चरण में पहुंचा है। चीन के 59 ऐप्स को बैन करने के फैसले पर भारत को हक मिला है। अमेरिकी माइक पोम्पियो ने कहा कि ये कदम भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा। अमेरिका ने भारत की इस कार्रवाई की सराहना की है। माइक पोम्पियो ऐप को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सर्विलांस का अंग बताया है। कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की क्रूरता बाकी दुनिया पर भी असर डालती है।